हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अबाउट टू द सेमीकंडक्टर लेजर एंड दिस इज कॉल्ड समटाइम्स डायोड लेजर, राइट। क्या प्रिंसिपल है और क्या वर्किंग है, क्या इसमें कंपोनेंट यूज किए हैं, विच मटेरियल बेसिकली इज यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर लेजर एंड हाउ वन कैन अचीव द पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड हाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट we get the stimulated emission, right, and application of the semiconductor laser. So यहाँ जो semiconductor diode laser है इज स्पेशली वो फैब्रिकेट हुआ है PN junction device के थ्रू which emits coherent light when it is in forward bias. तो यहाँ जो N और P हैं basically वो highly doped हैं, N plus और P plus, राइट। कोहरेंट मीन्स ऑल द फोटोन्स जो हैं वो कोरस्पोंड टू उनके जो वेव है उनका जो फेस है वो सेम है। और सेकंड पॉइंट ये बोलते हैं कि जो सॉलिड स्टेट या गैस लेजर में आप डिस्क्रीट एनर्जी लेवल देख रहे थे कि भाई आपका ये 3 एनर्जी लेवल है या ये 4 एनर्जी लेवल है लाइक दैट, उसमें क्या थे एनर्जी लेवल इंक्लूड थे, लेकिन यहाँ जो है आपके एनर्जी बैंड्स इंक्लूड हैं। सेमीकंडक्टर लेजर के अंदर जो है वो एनर्जी बैंड्स हैं। एनर्जी बैंड जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं एक सेमीकंडक्टर को ही सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एन एग्जांपल एन टाइप सेमीकंडक्टर को मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, और आपको भी पता है कि कोई भी जो हम लोगों के सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं, इंसुलेटर हैं या कंडक्टर हैं, वो एक बैंड जो है एनर्जी बैंड के थ्रू उनको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं जब मैटर की फॉर्म में है। तो यहाँ ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, ये इसको कंडक्शन बैंड की बॉटम बोलते हैं, राइट, और उसको इसी एनर्जी इस तरीके से शो करते हैं। ये टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड है, राइट, तो इसको हम लोग शो करते हैं ईवी। ओके, राइट, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट टू दी एन टाइप, सो आई कैन राइट हियर ई एन सी एंड हियर दिस साइड ई एन वी, राइट, ये दिस वी इज कैपिटल, राइट, इंडिकेट टू दी वैलेंस बैंड। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट टू दी सेमीकंडक्टर लेजर, दैट इज द पॉपुलेशन इन्वर्जन। इसका मतलब क्या है यहाँ, इसका मतलब ये होगा कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसका जो कंडक्शन बैंड है उसमें एनफ बहुत सारे जो हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैलेंस बैंड में जंप नहीं करते हैं। ये जो अगर मैं यहाँ एक दूसरा सेमीकंडक्टर जो पी टाइप का है और उसमें यहाँ ये फर्मी एनर्जी लेवल है, उसके नीचे सारी एनर्जी स्टेट फील्ड है, तो उसके ऊपर जो आपको बचते हैं ये होल्स बचते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इनटू द कंडक्शन बैंड हैं ये जंप करते हैं टूवर्ड्स दिस साइड जो आपका पी टाइप का वैलेंस बैंड है। तो समझें इस बात को कि इन सेमीकंडक्टर लेजर पॉपुलेशन इन्वर्जन मींस देयर मस्ट बी ए रीजन ऑफ द डिवाइस इन विच लार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉटम ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड एंड लार्ज डेंसिटी ऑफ होल्स इन द टॉप एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। सो दिस इज ऑब्टेन विद हाई डोपिंग कंसंट्रेशन। एंड सेकेंड थिंग, इसको मैं पिक्चर के थ्रू आपको बताऊंगा कि कैसे हुआ है, लेकिन आप माइंड में एक चीज़ जरूर रखिए कि जो एक पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर आप यूज कर रहे हैं उसका जो वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड है उसके अंदर ट्रांजिशन नहीं है, ये ट्रांजिशन ऑफ दी चार्ज कैरियर सेकेंड जो बैंड आप यूज कर रहे हैं दूसरे मटेरियल का पी टाइप का यहाँ यूज किया है उसके वैलेंस बैंड में ट्रांसफर है। इस बात को समझेंगे अगली वीडियो में। उससे पहले जो प्रिंसिपल है फॉर द लेजर डायोड सेमीकंडक्टर लेजर डायोड उसको आप देख लें कि जो एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर ऑफ ए सेमीकंडक्टर कंसिस्ट ऑफ ए वैलेंस बैंड एंड ए कंडक्शन बैंड सेपरेटेड बाय एनर्जी गैप। और यहाँ जो पिक्चर हम लोग यूज करेंगे आपको शायद आपने देखा हो ये इस साइड इस तरह से, तो ये यहाँ जो कंडक्शन बैंड है ऑफ द पी और ये जो पार्ट है ये वैलेंस बैंड है ऑफ द पी, इस साइड में ये आपका वैलेंस बैंड होगा ऑफ एन और इस ये जो होगा कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, इनके बीच का ये एनर्जी गैप
और यहाँ ये रीजन जो है वो डिप्लेशन रीजन को शो करता है, ये जो रीजन आप देख पा रहे हैं, और ये जो स्लोप है ये एक्चुअली बैरियर पोटेंशियल है बिटवीन दी जंक्शन, राइट, इसके बारे में बात करेंगे। और इसको यहाँ डिनोट करते हैं एक ई जी से। दो एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर ऑफ ए सेमी कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ ए वैलेंस बैंड एंड ए कंडक्शन बैंड सेपरेटेड बाई एनर्जी गैप ई जी, बट रिमेंबर ये पी एन जंक्शन है, तो पी जो का पी का एनर्जी बैंड डायग्राम और एन का वो हम लोग साथ में लिए हुए हैं। द कंडक्शन बैंड कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड द वैलेंस बैंड कंटेन्स होल एंड इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कंडक्शन बैंड, इसका जो बेसिक एक्सप्लेनेशन है मैं पहली वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कंडक्शन बैंड जंप्स इनटू ए होल इन द वैलेंस बैंड द एक्सेस एनर्जी ई जी इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। प्रिंसिपल सेम है जैसे कि टू एनर्जी लेवल्स में आप देखते थे ई टू और ये ई वन था, यहाँ एटम जो था एक्साइटेड स्टेट में था, जब वो जंप करता है इनटू द ग्राउंड स्टेट तो एक फोटोन निकलता था। तो ये जो डिफरेंस है एनर्जी का ई टू माइनस ई वन, दैट इज डेल्टा ई से आप डिनोट करते थे, यहाँ क्या है कि वो जैसे कि ये बोल रहे हैं ई जी के थ्रू, ई जी क्या है वो एनर्जी का डिफरेंस है, और किसके बीच का डिफरेंस है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। और ध्यान रखिए ये कंडक्शन बैंड आपका एन टाइप का है जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड आपका पी साइड में है जो पिक्चर में पहले बोल चुका हूँ। तो आप यहाँ अगर आपके माइंड में कन्फ्यूजन चल रहा है और कोई पॉइंट एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, तो इट मीन्स जो बेसिक पिक्चर है ऑफ द सेमी कंडक्टर वो आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे। कनेक्शन क्या है कि अभी अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा तो थोड़ा ये जो अभी प्रोसेसिंग चली है वो क्लियर नहीं हो पाएगी, तो मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो केवल मेरा पर्पज़ अभी इतना है कि इस सेंटेंस को मैं क्लियर कर दूं कि ई जी जो आप देख रहे हैं वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो डिफरेंस है उसको इंडिकेट करता है, और जो फोटोन एमिट होगा उस एनर्जी का होगा, ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता ही चुका हूँ कि डेल्टा ई जो यहाँ है डेल्टा ई दैट इज इक्वल टू एच न्यू, राइट, एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन। सो दस द इलेक्ट्रॉन होल द कम्बिनेशन इज द बेसिक मैकेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर द एमिशन ऑफ लाइट इन सेमी कंडक्टर लेजर। हम यहाँ जो फॉर्मूला देखते हैं वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज गिवन बाय द रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई जी, दी यू नो इज इक्वल टू एच न्यू, एच न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, दिस ई बेसिकली इज द एनर्जी गैप, सो इफ यू हैव टू फाइंड लैम्डा देन दिस विल बी इक्वल टू एच सी अपॉन ई जी, राइट। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। एंड नाउ हियर दिस इज द कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड ऑफ द एन टाइप सेमी कंडक्टर, एंड हियर वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड इज ऑफ द पी टाइप सेमी कंडक्टर। आप में से ये हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपने जो अभी तक पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं और उसके बाद एक फोटोन निकलता है, नो डाउट ऐसा ही है, लेकिन ये जो वैलेंस बैंड है ये पी टाइप का है। इसको अब मैं आपको ट्राई क्लियर कर दूं कि ये जो पिक्चर आई है इस पिक्चर की बैकग्राउंड में एक्चुअली कंसेप्ट क्या है, तो मैं फ्रॉम द बिगिनिंग ही स्टार्ट करता हूँ, आपको कुछ टाइम लगेगा लेकिन दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन अनदर कंसेप्ट, राइट। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आप बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखिए सिलिकॉन की क्या है। सपोज किया सिलिकॉन ये है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी 4 थी, 2, 8, 4। तो मैं सेकंड सिलिकॉन यहाँ ड्रा करता हूँ इस तरीके से, ये सेकंड सिलिकॉन और ये फिर थर्ड सिलिकॉन, राइट। ये पिक्चर के साथ में आप फैमिलियर हैं, लेकिन ये इसको मैं ड्रा क्यों कर रहा हूँ वो पर्पजली कर रहा हूँ कि साथ में आपका माइंड में वो कनेक्शन बन जाए जो जिसके लिए मैं अभी बोल रहा था कि वो कन्फ्यूजन आपके माइंड में है। तो इसलिए वो जो मैं अभी बोल रहा था आपको कि ये ट्रांजिशन जो है कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड तो हुआ है, लेकिन ये एन और पी के हुआ है, तो यहाँ
ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ये आपके माइंड को क्लियर है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड जो बने हैं बिटवीन दी ये टू जो एटम्स हैं ऑफ द सिलिकॉन, तो ये प्योर सिलिकॉन की स्ट्रक्चर है जिसको आप बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, राइट। देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। ओके, सो दिस वॉज द बेसिक पिक्चर। एंड नाउ सपोज इफ आई वॉन्ट टू एड हियर एनी इम्प्योरिटी, देन वट विल हैपन इफ आई एड हियर ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, फॉर एन एग्जाम्पल एलमोनियम, ये ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी है। अगर मैं इसमें फास्फोरस ऐड करता हूँ दैट इज पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, ओके राइट। सो मैं यहाँ सिलिकॉन को क्या करता हूँ, रिप्लेस करता हूँ और इसकी जगह जो है एलमोनियम को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट मीन्स कि एलमोनियम की डोपिंग करती है। तो यू नो कि एलमोनियम क्या है, एलमोनियम जो है वो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी है दैट रिक्वायर्ड बेसिकली वन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर वैकेंसी है। तो अब जो ये आप इम्प्योरिटी देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है या डोनर इम्प्योरिटी है, राइट। दिस इज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, ये एलमोनियम जो है वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है। तो जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होगा उसके पास में किस टाइप का साइन आप देखते हैं, निगेटिव देखते हैं या पॉजिटिव देखते हैं? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी जो होगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे NaCl का बात करूँगा तो आपको पता है कि Na प्लस और ये ब्रेक और Cl माइनस ऐसे होगा। Na के पास सोडियम के पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो Na यहाँ पर डोनर है, राइट, उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, और क्लोरीन यहाँ पर एक्सेप्टर है, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो इसलिए उसके पास निगेटिव चार्ज बढ़ गया है। तो यहाँ उसके नोटेशन के लिए जो है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी के लिए ये निगेटिव साइन को हम लोग यूज करते हैं। अब दूसरा कंसेप्ट है डोनर इम्प्योरिटी के साथ में। डोनर इम्प्योरिटी के पास में क्या है, सपोज कि हमें अब यहाँ डोनर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वो क्या करेगी, एक सिलिकॉन को रिप्लेस कर देगी और वहाँ अपने आप सिचुएटेड हो जाएगी। अब उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, राइट। तो फास्फोरस के पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है या डोनर इम्प्योरिटी है, ये डोनर इम्प्योरिटी है। तो जो डोनर इम्प्योरिटी है उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं प्लस। तो अब ये जो अभी प्रेजेंट पिक्चर आप देख रहे हैं, इसको अगर मुझको सिंबलाइज करना हो कम्प्लीटली तो मैं उसको सिंबलाइज करूंगा इस वे में, ये जो मैं अभी आपको बॉक्स के अंदर दिखा रहा हूँ। तो ये कंप्लीट जो पिक्चर है वो इस वे में है, और उससे पहले जब मैंने एल्युमिनियम ऐड किया था तब वो इस फॉर्म में थी। वहाँ पे होल जो ये सर्कल आप देख रहे हैं ये होल का रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जब मैं एंड टाइप की बात कर रहा हूँ जहाँ मेजोरिटी चार्ज कैरियर अवेलेबल हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, उस केस में जो सिंबलाइजेशन हुआ है वो इस वे में हुआ है, राइट। तो यहाँ प्लस जो है वो डोनर इम्प्योरिटी है और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वो दिखाया हुआ है, राइट। ये तो अब जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर ये है एन टाइप, और पी टाइप क्या होगा, तो पी टाइप के लिए आपके पास में होंगे निगेटिव आयन्स जो स्टैटिक आयन्स हैं, और इनके पास में जो है चार्ज कैरियर अवेलेबल हैं, क्योंकि यहाँ नोटेशन में हम लोग इनको इम्प्योरिटी को शो कर रहे हैं। तो यहाँ ये आप होल देख सकते हैं, राइट। तो ये जो हुआ आपका पी टाइप हुआ, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हुआ। अब जैसे ही एन और पी को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन होगा, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो टूवर्ड्स द पी साइड होगा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो टूवर्ड द पी साइड होगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, रूम टेम्परेचर पे ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये ऑब्वियस है कि कंडक्शन बैंड के अंदर होंगे, राइट। मेरी बात समझ आई आपको, ये रूम टेम्परेचर जो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ऑलमोस्ट, और रूम टेम्परेचर पे भी ये कंडक्शन बैंड में अवेलेबल होंगे, राइट। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो आप ये वैकेंसी देख रहे हैं, ये वैकेंसी कहाँ थी, ये तो वैलेंस बैंड के अंदर थी भाई। ये देखिए आप, ये अगर आपका एल्युमिनियम था यहाँ तो इसके पास एक वैकेंसी अवेलेबल थी, यस। उसके लिए नोटेशन क्या था, ये था, और यहाँ एक ये जो नोटेशन है वो इस क्रिस्टल लैटिस के इस सेगमेंट को शो करता है, और पूरा पी टाइप उस तरीके की कंटिन्यूस जो आपका स्ट्रक्चर है उसको शो करेगा,
लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ये वैकेंसी आप देख पा रहे हैं ये वैलेंस बैंड के अंदर है, और किस टाइप के सेमीकंडक्टर के, पी टाइप के। तो अब मेरी बात समझ में आई आपको कि मैं जो यहाँ इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ कि ये रिकम्बाइन करता है विद दी होल, तो वो पॉइंट एक्चुअली आप कैसे देखते हो, वही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वही एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको समझना है। इस पिक्चर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड शो किया है, लेकिन इस पिक्चर की बैकग्राउंड में जो हुआ है वो ये पिक्चर है। यहाँ कंडक्शन बैंड से एक इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड के अंदर वैकेंसी है उसको फिल कर देता है, ये इसने फिल कर दिया है। तो अब क्या होगा, यहाँ ये रिकम्बिनेशन हुआ, अब यहाँ केवल आपको स्टैटिक चार्ज मिलेगा, इस साइड में ये स्टैटिक चार्ज मिलेगा जिसको आप डिप्लेशन रीजन बोलते हैं कि भाई एक डिप्लेशन रीजन डेवलप हो जाता है जहाँ आपका जो मोबाइल चार्ज है वो अवेलेबल नहीं है, ओनली स्टैटिक चार्ज अवेलेबल है, वो स्टैटिक चार्ज जो है इम्प्योरिटी का है। तो इस साइड में आपको मिला प्लस और इस साइड में केवल मिला इस रीजन में निगेटिव चार्ज। तो प्लस माइनस इस तरीके से यहाँ ये बेसिकली एक इलेक्ट्रोड के जैसे आप उसको एज्यूम करने लगते हैं और एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो जाता है, राइट, इस रीजन के अंदर जिसको आप डिप्लेशन रीजन बोलते हैं। तो अब जब मैं ये बोल रहा था आपको कि भाई ये इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन करते हैं तो ये वैकेंसी एक्चुअली फिल हो जाएगी, राइट। और अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है इस साइड को नहीं जा सकता, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन इस साइड को चलेगा तो ये इस स्टैटिक चार्ज को देखता है कि जो कि निगेटिव है, तो यहाँ से रिपल्सिव फोर्स इसको मिलेगा, तो इसलिए इस जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएगा ये जो जंक्शन अवेलेबल है, राइट। तो अब ये इलेक्ट्रॉन, और ये सभी के लिए ट्रू है, लेकिन अगर आप फॉरवर्ड बायसिंग कर देंगे तो तब क्या होगा, ये पी को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, एन को निगेटिव टर्मिनल के, तो यहां से इनको फोर्स मिलेगा इलेक्ट्रॉन को, और ये इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को क्रॉस करके इस साइड में आ जाएंगे, राइट, और यहाँ इस वैकेंसी को फिल करेंगे। और ये वैकेंसी कहाँ थी, ये तो भाई वैलेंस बैंड में थी ना, ये फोर इलेक्ट्रॉन जो आप बाहर देख रहे हैं सिलिकॉन की, ये क्या है, ये 284 ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंस बैंड क्रिएट करते हैं, और वैलेंस बैंड के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वैकेंसी है जो कि एल्युमिनियम के केस में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो अब अगर आपको ये बात समझ आ चुकी है तो एक प्रिंसिपल आपको क्लियर हो चुका है कि जब आप सेमीकंडक्टर लेजर या लाइट एमिटिंग डायोड के एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो वहाँ कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड के अंदर जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो वो एक्चुअली रियल में पिक्चर ये है, राइट। तो पहला पिक्चर ये सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए कि भाई एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे हम लोग समझते हैं। दूसरी पिक्चर ये, राइट, दूसरी पिक्चर से हम पीएन जंक्शन की जो है डायोड की वर्किंग एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उसके बाद में फिर उसका एनर्जी बैंड का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो यही मैं आपको क्लियर कर दूं इस एनर्जी बैंड का कंसेप्ट कि यहाँ अलग अलग शो करने का ज़रूरत नहीं है, वो मैं अगली पिक्चर में आपको दिखा दूंगा। ये एक्चुअली यहाँ जो डिप्लेशन रीजन है यहाँ से यहाँ तक ये स्लोप उस पोटेंशियल बैरियर को शो करता है जो कि आप अभी यहाँ देख पा रहे हैं। मैं यहाँ ये जो अभी ड्रा कर रहा हूँ, राइट, ये थोड़ा सा टिल्ट ऐसे कर दो आप, तो ये पर्टिकुलर जो आपका जो स्लोप जहाँ तक आया है वो एक डिप्लेशन रीजन तक आया है, राइट। तो ये जो स्लोप आप देख रहे हैं ना विथ रेस्पेक्ट टू दिस लाइन की इतना है ये जो हाइट, ये राइट, ये जो हाइट आप देख पा रहे हैं ये बैरियर हाइट है, ये बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर जिसको बोलते हैं, राइट। तो यहाँ इस साइड में ये आपका एन है और इस साइड में पी है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इस साइड को अगर मूव करना चाहें तो ये जो हाइट आप देख रहे हैं ना, तो क्या एनर्जी है इसके पास इलेक्ट्रॉन के कि ये इस हाइट को चढ़ जाएगा, राइट, और यहाँ पहुँच जाएगा। तो वो कंसेप्ट है, राइट। तो अब हम देखते हैं एन ये जो है इस साइड को एक्चुअल में ये इसका विदाउट बायसिंग एनर्जी बैंड डायग्राम है।
राइट, नेक्स्ट पिक्चर में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है और ये इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन जो है ये कैसे आप देखते हैं, ये तो मैं बोल ही चुका हूँ। तो आप ये जो पिक्चर यहाँ सेमीकंडक्टर लेजर में देखते होंगे उससे अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि उसकी बैकग्राउंड में ये पिक्चर है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे जाके मैं ये क्लियर कर दूंगा कि ये जो अभी आप यहाँ स्टिमुलेटेड एमिशन या स्पॉन्टेनियस एमिशन देखते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन एलईडी का ले और स्टिमुलेटेड एमिशन लेजर लाइट के लिए। आप एलईडी जो देखते हैं ना उसमें सारा लाइट जो है ना वो स्पॉन्टेनियस एमिशन के थ्रू मिलता है, लेकिन स्टिमुलेटेड एमिशन लेजर लाइट जो सेमीकंडक्टर लेजर है उसमें से जो लाइट आप देख रहे हैं वो स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू मिलता है। कंडक्शन बैंड के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली ये आपके जब वैलेंस बैंड में जंप करते हैं तो एक तो ये पहले ही क्लियर हो चुका है कि हम लोग एन प्लस लेके चले हुए हैं। एन प्लस और पी प्लस का मतलब है हाईली डॉप्ड मटेरियल है, लेकिन एक चीज़ यहाँ मैं मिस कर चुका हूँ पहले ही, जो मुझको बोल देना चाहिए था कि ये सिलिकॉन या जर्मेनियम का प्रॉपर्टी नहीं है। सिलिकॉन और जर्मेनियम तो थर्मल प्रॉपर्टी शो करते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड होल रिकम्बिनेशन टेक प्लेस, बट गैलियम आर्सेनाइड जो है आपका वो, या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फोरस जो है वो आपका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी शो करता है व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड होल रिकम्बिनेशन टेक प्लेस, राइट। सो यहाँ जो कंसंट्रेशन इनकी है वो बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि वो हाईली डोप्ड हैं एन प्लस और पी प्लस। तो यहाँ फर्दर जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को आप देख सकते हैं कि यहाँ एक फोटोन शो किया हुआ है, वो इनको इंड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन्स को टू जंप इन टू द वैलेंस बैंड एंड एज ए रिजल्ट वन फोटोन विल एमिट दैट फ्रीक्वेंसी एवरी थिंग एंड डायरेक्शन, हम बोल रहे हैं कि वो फेस में होगा विद द इंसिडेंट वन एंड एज ए रिजल्ट यू आर गेटिंग टू फोटोन इन सेम डायरेक्शन एंड हियर इफ टू फोटोन इंड्यूस टू इलेक्ट्रॉन्स फर्दर यू विल गेट फोर फोटोन इन वन डायरेक्शन। सो दिस वॉज द बेसिक आइडिया अबाउट टू दी एलईडी और सेमी कंडक्टर लेजर। इफ दिस आइडिया इज क्लियर देन देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दैट द वर्किंग ऑफ आइदर एलईडी और सेमी कंडक्टर लेजर। तो देखते हैं अभी सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है। इन फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन ऑफ एलईडी द हायर एनर्जी लेवल इज मोर पॉपुलेटेड देन लोअर एनर्जी लेवल विच इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर द पॉपुलेशन इनवर्जन, राइट। देर इज नो डाउट व्हेन ए फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू इज इक्वल टू इम्पिंज द डिवाइस व्हाइल इट इज स्टिल इन द एक्साइटेड स्टेट ड्यू टू द अप्लाइड बायसिंग द सिस्टम इज इमीडिएटली स्टिमुलेटेड एंड मेक इट्स ट्रांजिशन। ये सब हुआ एक्सप्लेनेशन, राइट। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर की लेयर है। यहाँ ये जो है आपका जो जंक्शन को शो किया है, राइट। तो इनकी फॉरवर्ड बायसिंग हुआ ये आपके, राइट, इस तरीके से ऑप्टिकल फ्लैट साइड, और ये लेजर बीम आपको निकलते हुए दिखाई पड़ रही है। अब क्या करना है आपके पास में, पंपिंग प्रोसेस क्या है फॉरवर्ड बायसिंग, आपके पास में लेजिंग मीडियम क्या है, ये हाईली डोप्ड पी प्लस एंड एन प्लस, राइट। अब क्या करना है, इसको आप रेजोनेटर कैविटी के अंदर रख दीजिए। रेजोनेटर कैविटी क्या है, एक ये 100% रिफ्लेक्टर है, ये 100% रिफ्लेक्टर है और ये पार्शियली रिफ्लेक्टर है, राइट। तो सेम प्रिंसिपल रेजोनेटर कैविटी वैसे ही, यहाँ फोटोन यहाँ स्ट्राइक करेंगे, रेजोनेटर कैविटी फील्ड होगी, उसके बाद में फिर ये लाइट आप यहाँ से देख सकते हैं। तो वो जो कंसेप्ट मैं आपको पहले पॉइंट पे बोल रहा था कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है या ये आपका एनर्जी बैंड डायग्राम है जो पहली पिक्चर में मैं एक्सप्लेन कर रहा था, तो उसको अब मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूँगा कि ये कंडक्शन बैंड है ऑफ द पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये जो है एन टाइप का कंडक्शन बैंड है। तो आप देखिए कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के जो कंडक्शन बैंड है आपको कोई वहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहे हैं, नहीं। ऑब्वियसली कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ देखिए आप एन साइड के अंदर, और ये लाइन क्या है फिर, ये जो लाइन डिनोट की है एक्चुअली ये लाइन फर्मी एनर्जी लेवल को इंडिकेट करती है। और फर्मी एनर्जी लेवल क्या है आपका, फर्मी
एनर्जी लेवल एक्चुअली ये डिसाइड करता है, एक तरीके से लेवल है कि भाई बिलो दिस ऑल जितनी भी एनर्जी स्टेट्स हैं वो फिल्ड हैं बाय द इलेक्ट्रॉन्स, और इसके ऊपर जितना भी है वो सारा एम्प्टी है। दैट मीन्स जो एनर्जी लेवल्स हैं वो एम्प्टी हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर ये फर्मी एनर्जी लेवल है बिलो दैट और दिस कंडक्शन बैंड जो है वो इस बॉटम तक फिल्ड है बाय द इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। और ये हुआ वैलेंस बैंड, यहाँ ये वैलेंस बैंड की टॉप है, उसकी यहाँ थोड़े से यहाँ इस लेवल तक आप देख रहे हैं कि अब कुछ भी नहीं है, खाली है। तो उस खाली जगह क्या है बच्चे, उस जगह ये होल्स अवेलेबल हैं। गॉट माई पॉइंट राइट? तो ये जो आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए वैलेंस बैंड में, ये वो थ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम का बचा था वहाँ पे एक वैकेंसी थी, तो वो वैकेंसी इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि यहाँ वैलेंस बैंड के अंदर जो है वो वैकेंसी अवेलेबल है, वहाँ पर भी एनर्जी लेवल से ऊपर जो है वहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो स्टेट जो है अनफिल्ड हैं राइट? तो अब ये कंसेप्ट अगर आपको समझ आ चुका है तो राइट, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये देखिए कि ये सेकेंड पिक्चर है, इस सेकंड पिक्चर में ऐसा क्या हुआ है, अब ये आप देख लीजिए कि ये पहली पिक्चर में मैं आपको अभी यहाँ जो स्लोप शो कर रहा था वो ये था इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जहाँ से ये बैंड होना स्टार्ट होता है, और ये था डिप्लेशन रीजन राइट, इसको आप डिप्लेशन रीजन बोलते हैं, और वो जो स्लोप है ना उसको आप बैरियर हाइट बोलते हैं, ये जो है राइट। इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होगी तो वो इस साइड जा सकता है राइट, ऐसा हम मान के चलते हैं। ओके तो अब आप ये देखिए कि यहाँ आपने फॉरवर्ड बायसिंग कर दिया है राइट साइड में। फॉरवर्ड बायसिंग करने से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा राइट, इनके पास एनर्जी आ जाएगी, तो ये जो फर्मी एनर्जी लेवल है इस साइड में अब ब्रेक हो चुका है टूवर्ड दिस साइड, और यहाँ ये डिप्लेशन रीजन के अंदर एंट्री कर चुका है राइट। अभी आप ये देख रहे हैं कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड है राइट, कंडक्शन बैंड है, वो इधर ओवरलैपिंग कर रहा है, ये डिप्लेशन रीजन को क्रॉस करके, पहले डिप्लेशन रीजन से इस साइड था लेकिन अब ये क्या किया है इसने, ये इतना उठ चुका है और इधर आ चुका है राइट। तो वहाँ कंसंट्रेशन जो है वो बहुत बढ़ चुका है, और इस तरीके से ये एनर्जी बैंड यहाँ, तो इसमें आपको पता है कि सभी इलेक्ट्रॉन हैं राइट। तो अब आपके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि वैकेंसी अवेलेबल है। तो अब जो ट्रांजिशन हम लोग जिस ट्रांजिशन की बात करते हैं, एक्चुअली वो ट्रांजिशन ये ट्रांजिशन है राइट, इस तरह से है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली यहाँ जंप करते हैं वैलेंस बैंड में, और ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं, पी के या एन के? पी के नो, ये एन के हैं, ये इलेक्ट्रॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर के हैं भाई, और यहाँ ये पी टाइप सेमीकंडक्टर के में जो वैकेंसी बची है ना, जो पहली पिक्चर में शो किया था, ये उसके हैं राइट। तो इस तरह से ये यहाँ इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और एज ए रिजल्ट फोटोन एमिट होगा, और ये फोटोन कहाँ, ये सब कहाँ हो रहा है, ये इस डिप्लेशन रीजन के अंदर हुआ है भाई राइट। तो यहाँ जो आप देख पा रहे हैं जहाँ वो एक लेयर देख रहे थे फोटोन निकलते हुए, आप देख रहे थे ये जो फोटोन आप निकलते हुए देख रहे हैं ना, ये वो डिप्लेशन रीजन है, उसी से निकल रहे हैं ये फोटोन राइट। तो इसको थोड़ा सा ऐसा अगर आपको समझ आया होगा तो अच्छी बात है, फिर ये प्रॉपर सर्किट के साथ में आप देख पा रहे हैं राइट। यहाँ एक चीज़ और क्लियर करना है आपको कि जब आप फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं ना, तो एक मिनिमम जो वैल्यू ऑफ द करंट है, जिसको आप क्रिटिकल करंट या थ्रेशोल्ड करंट कह लें, उससे मिनिमम जो होगा वो जो है वर्किंग जो होगा वहाँ स्पॉन्टेनियस एमिशन डोमिनेट करेगा, और जब स्पॉन्टेनियस एमिशन करेगा तो वो जो मटेरियल है आपने यूज किया है वो एलईडी के जैसे बिहेव करेगा। लेकिन अब उस क्रिटिकल वैल्यू से अगर आप आगे चलेंगे राइट, तो एक तो ये होगा कि आउटपुट यहाँ करंट लिया है इस एक्सिस पे, और ये आउटपुट पावर की हम लोग बात कर रहे हैं। इस करंट से अगर जैसे ही आप आगे चलेंगे तो क्या होगा कि जो वैल्यू है
आउटपुट तो बढ़ना स्टार्ट हो ही जाएगा, साथ में आपका स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो डोमिनेट करना स्टार्ट करेगा, राइट। तो यहाँ स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो डोमिनेट करेगा, और स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए आपको पता ही है, जैसे कि टू एनर्जी लेवल्स और एटम के केस में था कि एक फोटोन बेसिकली इस एक्साइटेड एटम को इंड्यूस करता है, एंड एज ए रिजल्ट दिस एटम गेट डी एक्साइट एंड एमिट्स ए फोटोन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन द सेम डायरेक्शन। तो ये स्टिमुलेटेड एमिशन का कंसेप्ट था। तो इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं जो है इस चीज़ को आप समझिए कि अगर आपको समझ आया है तो गुड, और नहीं समझ में आया है तो वेरी गुड, आप दोबारा वीडियो देखिए। और कोई क्वेश्चन है तो आप यू कैन आस्क दी क्वेश्चन, और आप मुझको सजेस्ट कर सकते हैं कि कोई दूसरा टॉपिक या रिलेटेड टू दिस वन कि मैं उसकी एक्सप्लेनेशन आपको दे पाऊँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर टाइम। नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन और दूसरे पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट टू द लेजर।